बड़ी चाहत और मोहब्बत से आपका हाथ मांगने के लिए आया है। प्लीज जवाब में ना मत कहिएगा। ठीक है ठीक है, हाँ मैं कल ऑफिस में आके सारी डिटेल्स। क्या बात है माँ जी, पूरा रास्ता आप खामोश रहीं, अभी भी उदास हैं। खुदा ना खास्ता उन लोगों ने इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं, इनकार तो नहीं किया, सोचने के लिए वक्त मांगा है। अच्छा शुक्र है, सोचने का कहा है तो, सोचने का कहा है तो फिर आप उदास क्यों बैठे? बस उनके स्टेटस ने मेरे दिल को परेशान कर दिया है। तीन भाइयों की अमीर इकलौती बहन लाडली, हर चीज है उनके पास, घर भी उनका अपना, और हमारे पास क्या है? जिस घर में रहते हैं वो भी किसी का दिया हुआ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ है हम। फर्क तो पड़ता है ना? बात तो ठीक कह रही हैं आप। वो लड़की मेरे दिल में उतर गई, कुछ है उसमें। एक बात कहूँ? बात तो है उसमें। शुक्र है रिदा की वजह से तुम्हारे चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट तो आई। नहीं, देखो क्या जवाब देते हैं। मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने तो यही सुना है कि लड़की के लिए आने वाला पहला रिश्ता अल्लाह की तरफ से आता है, वो मुबारक होता है बेटी के लिए, लेकिन इस रिश्ते ने तो मुझे उलझा के रख दिया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, परेशान होकर रह गई मैं। अब सोच ही क्यों रही है इस बारे में? मना कर दे, हमें नहीं करनी ना अभी रिदा की शादी यार। तुम चुप रहो आसिम। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हो? सुशान बहुत अच्छा लड़का है, नेक है, शरीफ है, ईमानदार है, लेकिन लेकिन क्या? वो अभी मेरे साथ ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसका अच्छा खासा बिजनेस था, उसे लॉस हुआ, तो नॉर्मल सी जॉब है उसकी, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। क्या हुआ? किसकी नौकरी की बात हो रही थी और एकदम से सारे खामोश क्यों हो गए? मेरा आना बुरा लगा है क्या आप लोगों को? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम मेरे बड़े बेटे हो, क्यों बुरा लगेगा हमें? और तुमसे क्यों कोई बात छुपाएंगे हम?
हाँ तो फिर क्या बात कर रहे थे, करें ना। भाई दरअसल जिशान है ना, जिशान की वालदा आई थी यहाँ पे रिदा के रिश्ते की बात करने के लिए। रिदा का रिश्ता? जी भाई, सिशान बहुत अच्छा लड़का है, ये रिश्ता रिदा के लिए बहुत अच्छा है। मैंने अम्मी को बताया, बस जिशान अभी फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, ये बातें। अच्छा एक मिनट, ये हम रिदा की शादी की बात कर क्यों रहे हैं? मतलब अगर रिदा की शादी करवानी होगी तो इतने अच्छे नेक शरीफ और अमीर खानदानों के रिश्ते आ रहे हैं, करवानी हो तो बंदा वहां करवा देगा, जिशान से क्यों करवाएंगे? एक मिनट, जिशान अमीर नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आप रिदा की शादी उससे नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि रिदा ने रिसेंटली मुझसे कहा था कि वो आगे भी पढ़ाई अपनी करना चाहती है, तो अगर वो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहे या यहाँ पे भी करे, उसके बाद ही शादी की बात करेंगे, फिर जहाँ नसीब होगा वहाँ शादी करवा देंगे, क्यों भाई? लेकिन भाई वो अपने घर जाकर भी पढ़ सकती है। अरे यार पढ़ सकती है, लेकिन अगर हमारे होते हुए यहाँ पे पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। थैंक यू फहम भाई, कब से यही कह रहा हूँ, हमें नहीं करनी है ना रिदा की शादी, बस अब मना कर दो। कभी ना कभी तो उसकी शादी करनी है ना, आज नहीं तो कल शादी तो होगी ना उसकी। थे यार आप लोग बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं ये कब कह रहा हूँ कि उसकी शादी नहीं करनी है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक दफा पढ़ाई मुकम्मल कर ले उसके बाद करा देंगे शादी। भाई मेरी बात क्या हो गया है, रिलैक्स करो, हर बात पे इतना पैनिक क्यों क्रिएट कर देते हो? जब वक्त आएगा तब शादी करवा देंगे। अच्छा चलो आप इस बहस को छोड़ते, चाय नहीं पिलवाएंगी मुझे? कहाँ है जायदा आप, उनसे कहें मुझे अच्छी सी चाय पिलवाएं। अच्छा मैं मंगवाती हूँ। जायदा अच्छा मुझे ना तुम्हें एक बहुत ही मजे की बात बतानी है। तुम्हें वो लड़का याद है जिशान, जो शादी में भी आया था, जिसने मेरे दुपट्टे पे से आग बुझाई थी, याद आया? हाँ तुम्हें पता है आज वो अपनी अम्मी के साथ में रिश्ता लेने के लिए आया था। हाँ अच्छा है, अच्छा ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। बस रुशना मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ओके बाय बाय। सिरदा बड़े चाहने वाले हैं तुम्हारे यार।